Good evening, all dear students. So in this particular session, we are going to discuss about indexing, that is B and B plus tree जो है मल्टीलेवल इंडेक्सिंग में किस तरीके से यूज किया जाता है एंड हाउ वी कैन परफॉर्म इंडेक्सिंग ओवर द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ B एंड B plus tree. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अंकु सकलेचा, हैविंग मोर देन 10 ईयर ऑफ अ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस. आई थॉट मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स इन माई करियर. The subject taken by me on this particular platform is design and analysis of algorithm, database management system, digital logic, theory of computation, as well as compiler design. All of you can use my code, that is ANKS10, to get 10% off on Unacademy Plus subscription. There are many advantages of Plus, like live classes are there, crash courses are there, weekly tests are there, doubt solving sessions are there. All the sessions are available with English as well as Hindi tutor. Rank booster session में आप लोगों को यहाँ पे मिलता है personal coach that gives you one-to-one guidance on your preparation strategy. Study planner is there as well as study booster sessions are there. So regular workshops होती है जिनकी help से आप लोगों को study booster sessions मिलते हैं. All the sessions are available with English as well as Hindi tutor. ये सारी चीजें हैं ही. और इसके साथ में आप लोगों को यहाँ पे मिलता है पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस एज वेल एज स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स. वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट कि अनअकैडमी कॉम्बैक, दैट मीन्स दिस संडे, दैट मीन्स 15th of April, अगेन देर इज अनअकैडमी कॉम्बैक, दैट इज द इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट. सो यू कैन यूज माई कोड, दैट इज ANKS10, और जल्दी से आप लोग इसमें एनरोलमेंट कर लीजिए. सो आफ्टर एनरोलमिंग आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो 100% तक मिलने के चांसेस है. दैट मीन्स टॉप 3 विनर गेट 100% डिस्काउंट एंड 100 विनर्स जो है उनको एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा. सो 11 AM मॉर्निंग आप लोगों का टेस्ट है. ड्यूरेशन इज 60 मिनट एंड यू कैन यूज माई कोड, दैट इज ANKS10 फॉर एनरोलमेंट. तो इसको यूज करके एनरोल कर लीजिए जल्दी से. नाउ अनअकैडमी 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इज देयर एंड करेंटली अगेन ऑफर इज गोइंग ऑन. यू विल गेट एडिशनल 3 मंथ सब्सक्रिप्शन विद 12 मंथ. तो 12 मंथ के लिए अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो उसमें एडिशनली आपको 3 मंथ का और सब्सक्रिप्शन, दैट इज ANKS10, टू गेट 10% ऑफ. ऑल ऑफ यू फॉलो मी ऑन unacademy.com. अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है देन फॉलो मी ऑन unacademy. फॉलो करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, जितने भी स्पेशल सेशंस होते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, यू कैन एक्सेस ऑल फ्री स्पेशल सेशंस हियर. टुमारो मॉर्निंग 8 AM, कल मॉर्निंग 8 AM पे एक स्पेशल सेशन हो रहा है जिसमें हम लोग डिजिटल लॉजिक स्टार्ट करेंगे. सो डिजिटल लॉजिक में सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नंबर सिस्टम. सो कल मॉर्निंग में नंबर सिस्टम से क्लास है. सो ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड फॉर दिस ऑल्सो एंड दैट वुड बी द फ्री यूट्यूब क्लासेस सेशन. करेंटली हम लोग बी बी प्लस ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा एच एल रिक्रूटमेंट के लिए एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 9:45 PM टाइमिंग पे. एंड आफ्टर आज एक सेशन और 4 PM पे हुआ था जिसमें हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्ड हीप ऑपरेशन, ये एक्सप्लेन किया था. सो ऑल ऑफ यू शुड वॉच दिस सेशन ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा. एंड दैट वुड बी द टाइम टेबल फॉर द अपकमिंग सेशंस. सो सी हियर, बिफोर स्टार्टिंग बी बी प्लस थ्री, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या व्हाई वी आर यूजिंग अ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग. व्हाट इज द बेनिफिट टू यूज मल्टी लेवल इंडेक्सिंग. तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो देखिए अब इसके पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था दैट इज अबाउट द सिंगल लेवल इंडेक्सिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग इज क्रिएटेड व्हेन अ प्राइमरी इंडेक्स साइज इज टू लार्ज एंड सर्चिंग टाइम ऑफ रिकॉर्ड रिक्वायर अ मोर डिस्क एक्सेस. देखिए सिंपली हम लोगों ने क्या कहा था, हम दो टाइप के इंडेक्स यूज कर रहे थे. एक था आपका डेंस इंडेक्स एंड द सेकेंड इंडेक्स वी कैन से दैट इज अ स्पार्स इंडेक्स. डेंस इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ इंडेक्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिकॉर्ड. तो डेंस फाइल, जो डेंस इंडेक्स फाइल है उसकी साइज क्या होती है, इट इज अ वेरी लार्जर साइज, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्स मेंटेन करने पड़ते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ रिकॉर्ड. सपोज टू बी इन इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए मुझे एक हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है. आई नीड सम ब्लॉक ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के कुछ ब्लॉक्स की जरूरत है. सो हम लोग क्या करते हैं, उन ब्लॉक्स में हमारा डेटा स्टोर करते हैं, मतलब इंडेक्स फाइल स्टोर करते हैं ब्लॉक्स में. हमने देखा भी था कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इंडेक्स पर ब्लॉक कितने लग रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अब जो डेंस इंडेक्सिंग है, अगर इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स बहुत ज्यादा लगते हैं, द
देन व्हाट टू डू, वी नीड टू परफॉर्म सर्चिंग. हमें अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका रिकॉर्ड पॉइंटर सर्च करना होगा. एंड टू सर्च दैट रिकॉर्ड पॉइंटर वी नीड टू एक्सेस दिस ऑल दी ब्लॉक्स, हमें ये सारे ब्लॉक्स एक्सेस करने पड़ेंगे. सो व्हाट वी वांट, वी नीड टू रिड्यूस दैट नंबर ऑफ सर्चिंग ब्लॉक्स. जो हम ब्लॉक एक्सेस कर रहे हैं हम उन्हें रिड्यूस करना चाहते हैं. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, इन इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्पार्स इंडेक्सिंग में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्स लेस मेंटेन करते हैं. अब लेस इंडेक्स मेंटेन करने से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम इंडेक्स फाइल की साइज को जरूर रिड्यूस कर देंगे, लेकिन वहां पे अगेन हम कहेंगे कि इफ यू वांट टू फाइंड समथिंग, अगर मुझे किसी रिकॉर्ड का डेटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो सर्चिंग होगी वो अगेन स्लो होगी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी. आप उस स्पेसिफिक ब्लॉक पे जाओगे एंड यू नीड टू परफॉर्म सर्चिंग विद इन अ ब्लॉक ऑल्सो. ओके, सो एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का. तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, हियर वी आर, जो हमारा इंडेक्स फाइल होता है इट इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल नंबर ऑफ लेवल्स. तो एक से ज्यादा लेवल्स में हम लोग इसको डिवाइड करके चलते हैं. नाउ हाउ वी आर डूइंग दैट, तो सपोज टू बी वी हैव अ 1000 रिकॉर्ड्स, हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स है, ठीक है. एंड सपोज इंडेक्स की जो साइज है, साइज ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स साइज इज 10 बाइट. ओके, 10 बाइट का एक इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है. नाउ वी हैव अ ब्लॉक एंड सपोज टू बी वी कैन स्टोर 10 रिकॉर्ड पर ब्लॉक. एक ब्लॉक में आप लोग कितने रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, 10 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड, 10 इंडेक्स यू कैन स्टोर पर ब्लॉक. ओके, सो एक ब्लॉक में हम लोग 10 इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं. सो 1000 रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए सपोज आई एम परफॉर्मिंग डेंस इंडेक्सिंग, तो मुझे कितने इंडेक्स डिजाइन करने होंगे, आई नीड टू डिजाइन 1000 इंडेक्स. तो मुझे 1000 इंडेक्स डिजाइन करने हैं, क्लियर है. नाउ हियर व्हाट व्हाट वी कैन से, अगर हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक ब्लॉक के अंदर आप लोग 10 इंडेक्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है. सो 1000 इंडेक्स स्टोर करने के लिए आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने लगेंगे, सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1000 इंडेक्स इज सिंपली 1000 डिवाइडेड बाई 10. वी कैन सी दैट वी रिक्वायर 100 ब्लॉक्स. ओके, सो 100 ब्लॉक्स हम लोगों को लगने वाले हैं. ओके, सो अगर हम लोग सिंगल लेवल इंडेक्सिंग यूज करते हैं देन वी रिक्वायर 100 ब्लॉक्स. अब देखिए 100 ब्लॉक लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका दैट वुड बी द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द सेकेंड ब्लॉक, दैट वुड बी द थर्ड ब्लॉक एंड सिमिलरली वी हैव अ 100 ब्लॉक्स हियर. ओके, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टिल 100. वर्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अगर हमें किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो उसका रिकॉर्ड पॉइंटर आइडेंटिफाई करने के लिए वर्स्ट कंडीशन में हमें इन सारे 100 ब्लॉक्स को एक्सेस करना होगा. अब सपोज इट मे बी पॉसिबल कि लास्ट ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हमें रिकॉर्ड पॉइंटर मिल गया. सो इस रिकॉर्ड पॉइंटर के करस्पॉन्डिंग हम लोग जाएंगे एक स्पेसिफिक ब्लॉक में जहां पे हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ है एंड हियर वी कैन एक्सेस अवर रिकॉर्ड. सो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस जो आपके हो गए वो कितने हो गए, 100 तो हमें रिकॉर्ड पॉइंटर सर्च करने के लिए लगा, प्लस 1 टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, दैट मींस वी रिक्वायर 101 ब्लॉक एक्सेस. सो वर्स्ट कंडीशन में 101 ब्लॉक एक्सेस हम लोगों को यहाँ पे करने पड़ रहे हैं. नाउ एट द प्लेस ऑफ दैट, अगर हम लोग मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो देखिए उसका बेनिफिट क्या होता है. सो इन केस ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग व्हाट वी आर डूइंग, सो अगर सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करके चलते हैं तो सिंगल लेवल इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग तो हमें 101 इंडेक्स लगता है. अब मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे फर्स्ट लेवल होता है हमारा, ठीक है, सपोज टू बी दैट वुड बी द लेवल 1, फर्स्ट लेवल. तो फर्स्ट लेवल पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 100 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो हमारा डेटा स्टोर है, दैट डेटा स्टोर इनटू द 100 ब्लॉक्स, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 टिल ब्लॉक नंबर 100. अब हम लोग क्या करते हैं, एक लेवल और इंक्रीज करते हैं, वी कैन से दैट देयर इज अ सेकंड लेवल. और ये सेकंड लेवल इंक्रीज करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हियर वी आर अगेन मेंटेनिंग अ इंडेक्स फाइल एंड दिस इंडेक्स फाइल स्टोर रिकॉर्ड ऑफ, दिस इंडेक्स फाइल स्टोर एड्रेस ऑफ फर्स्ट लेवल इंडेक्स फाइल. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नाउ वी नो दैट कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में हम लोग 10 इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. अब हमें यहाँ पे 100 इंडेक्स को मेंटेन करना है. सो इन 100 इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए हमें सेकेंड लेवल पे कितनी इंडेक्स, कितने ब्लॉक्स की जरूरत होगी. सो कैन वी से दैट कि फर्स्ट ब्लॉक रिक्वायर 10 इंडेक्स, सेकेंड ब्लॉक रिक्वायर 10 इंडेक्स. तो सिमिलरली वी रिक्वायर ओनली 1 to 10 इंडेक्स फाइल, दैट मीन्स 1 to 10 ब्लॉक्स की जरूरत है. हर ब्लॉक में आप 10 इंडेक्स को स्टोर कर सकते हो. तो सिंपली फर्स्ट यहाँ पे 100 इंडेक्स मेंटेन करने के लिए आपको इस स्पेसिफिक लेवल पे 100 बाय 10, दैट मीन्स यू नीड टू मेंटेन ओनली 10 इंडेक्स. तो
तो 10 इंडेक्स आप लोगों को यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे, लाइक फ्रॉम दिस टू दैट, इस तरीके से. क्लियर है? सो अब इन 10 इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए मुझे एक लेवल और इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज द थर्ड लेवल. और इस थर्ड लेवल के ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं, हियर वी नीड टू मेंटेन एड्रेस ऑफ ओनली 10 ब्लॉक्स. सो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पे मेंटेन कर दिया, सिमिलरली 10th ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पे मेंटेन कर दिया. सो हियर वी आर यूजिंग ओनली वन ब्लॉक. ओके, सो व्हाट वी कैन से, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थ्री लेवल इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी. अब ये जो फर्स्ट लेवल की इंडेक्स फाइल है, ये रिकॉर्ड पॉइंटर किसका मेंटेन करके चल रहा है, दैट मींस इट इज अ रिकॉर्ड पॉइंटर फॉर द डेटा डायरेक्टली. यहाँ पे आपका वी कैन से दैट दे आर द डेटा ब्लॉक्स. तो डेटा ब्लॉक से यहाँ पे डेटा स्टोर है, रिकॉर्ड वन से लगा के जो हमारे 1000 रिकॉर्ड्स थे, वो सारे 1000 रिकॉर्ड्स आपके इस लेवल पे स्टोर है. ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे इन अ वर्स्ट केस. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे थर्ड लेवल से. यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक एक्सेस किया, इससे मुझे पॉइंटर मिल जाएगा जिसके थ्रू मैं नेक्स्ट डेटा पे जा सकता हूँ. सपोज टू बी दैट वुड बी दिस पॉइंटर. सो करेस्पॉन्डिंग टू दैट आई नीड टू एक्सेस दिस ब्लॉक, एंड करेस्पॉन्डिंग टू दैट आई नीड टू एक्सेस दैट ब्लॉक, और इस ब्लॉक के रिकॉर्ड पॉइंटर के करेस्पॉन्डिंग में डायरेक्टली डेटा एक्सेस करने पहुंच जाऊंगा. तो व्हाट वी कैन से दैट इफ वी हैव अ एन लेवल इंडेक्सिंग, अगर एन लेवल इंडेक्सिंग है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर लेवल पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक एक्सेस करना पड़ रहा है. सो एट ईच लेवल वी नीड टू एक्सेस ओनली वन ब्लॉक. सो इफ वी हैव अ एन लेवल इंडेक्सिंग देन वी रिक्वायर अ एन डिस्क एक्सेस टू फाइंड अ रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस वन डिस्क एक्सेस टू फाइंड अ डेटा. सो एन प्लस वन, सो इन दैट कंडीशन वी रिक्वायर अ 3 + 1, हाउ मच इट इज 4. सो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग से क्या बेनिफिट हुआ, जहां पे हमें 101 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ रहे थे सिंगल लेवल पे, एट द प्लेस ऑफ दैट हियर वी नीड टू मेंटेन ओनली 4. तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कितने मेंटेन करने हैं, 4 मेंटेन करने. ठीक है, सो दैट वुड बी द मेन थिंग. ओके, तो आप देखिए मल्टी लेवल इंडेक्सिंग से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, और उसी के बाद हम देखते हैं कि जो बी बी प्लस ट्री है, हाउ बी बी प्लस ट्री आर यूज फॉर डूइंग मल्टी लेवल इंडेक्सिंग. ओके, सो जस्ट सी दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. वी हैव अ फाइल दैट कंसिस्ट 16384 रिकॉर्ड्स. ईच रिकॉर्ड इज Each record is 32 byte long and its key field is of 6 byte. Okay, the file is ordered on a non-key field and the organization is unspent. So you should remember each and every point here. Okay, so अगर multi-level indexing से related कोई भी doubt है, तो with the help of that question आपके बाकी भी doubts clear हो जाएंगे. So just see this question किस तरीके से मैं इसका solution identify करता हूँ, और आपको यही approach apply करनी है. तो देखिए सबसे पहली चीज आपको क्या दिया हुआ है, वी हैव 16384 रिकॉर्ड. सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 16384. ईच रिकॉर्ड इज 32 बाइट लॉन्ग. ओके, एंड इट्स की फील्ड इज 6 बाइट लॉन्ग. द फाइल इज ऑर्डर्ड ऑन अ नॉन की फील्ड. तो नॉन की फील्ड के ऊपर हम लोगों ने ऑर्डरिंग परफॉर्म की हुई है. ठीक है, एंड द फाइल इज ऑर्गेनाइज इन अ अनस्पेंड मैनर. अनस्पेंड मैनर में ये ऑर्गेनाइज है. क्लियर? Now see, the file is stored in a file system with a block size 1024 byte. So 1024 byte आपके एक block की size है, ठीक है? And the size of block pointer, उस specific block को point करने के लिए आपको 10 byte का block pointer लगेगा. If the secondary index is built on a key field of 5, so अगर हम लोग secondary index को key field के ऊपर build करते हैं, if we are building secondary index on a key field of a 5. एंड मल्टी लेवल इंडेक्स स्कीम इज यूज टू स्टोर द सेकेंडरी इंडेक्स, द नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल ब्लॉक्स इन द मल्टी लेवल इंडेक्सिंग आर रेस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने लगेंगे ये आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग लेके चलते हैं कि जो एक पर्टिकुलर आपका इंडेक्स है, उस इंडेक्स का साइज कितना होगा, वॉट वुड बी द साइज ऑफ इंडेक्स. सो वी कैन सी इंडेक्स साइज इज की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर, या फिर हम लोग ब्लॉक पॉइंटर ले सकते हैं. सो की का साइज आपका 6 बाइट है. की फील्ड का साइज कितना है, 6, एंड ब्लॉक पॉइंटर जो है, ब्लॉक पॉइंटर की साइज कितनी है आपकी. सो व्हाट वी कैन से, की फील्ड साइज इज 6 बाइट
and block pointer size is 10 byte. Okay, so block pointer size is 10 byte. So total size of index is 16 byte. So total size आपका कितना हो गया, एक इंडेक्स का साइज हो गया आपका 16 बाइट. ओके, इफ द सेकेंडरी इंडेक्स इज बिल्ड ऑन अ की फील्ड. आप देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज करनी है और हमें बताना है कि फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने लगेंगे. हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव, यू कैन सी वी हैव 16384 रिकॉर्ड, 16384 रिकॉर्ड. सो वी नीड टू मेंटेन 16384 इंडेक्स. इतने मुझे इंडेक्स यहाँ पे मेंटेन करके चलने, ठीक है. अब 16384 इंडेक्स अगर हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक, सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट हियर कि जो आपका इंडेक्स है वो 16 बाइट का है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी इंडेक्स वी कैन स्टोर पर ब्लॉक. इंडेक्स पर ब्लॉक कितने में स्टोर कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग अनस्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं. इसका मतलब है कि इंडेक्स शुड बी स्टोर इन अ सिंगल ब्लॉक. ओके, सो टेल मी हाउ मेनी इंडेक्स वी कैन स्टोर पर ब्लॉक. सो जल्दी से बताइए ये क्या होगा, हाउ मेनी इंडेक्स वी कैन स्टोर पर ब्लॉक. ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी इंडेक्स वी कैन स्टोर, हाउ मेनी इंडेक्स वी कैन स्टोर पर ब्लॉक बताइए. सो सी हियर हियर व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहां पे एक चीज कर सकते हैं. देखिए 1024 डिवाइडेड बाय 16, 1024 डिवाइडेड बाय 16, सो इट गिव्स यू द नंबर ऑफ इंडेक्स यू कैन स्टोर पर ब्लॉक. सो इट बिकम 64. सो वी कैन स्टोर 64 इंडेक्स पर ब्लॉक. ओके, सो हम लोग 64 इंडेक्स पर ब्लॉक स्टोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी 16384 इंडेक्स को स्टोर करने के लिए आपको कितने ब्लॉक्स लगेंगे, हाउ मेनी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 16384 इंडेक्स, 16384 इंडेक्स स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे. सो सिंपली यू नीड टू डिवाइड दैट बाय 64. सो आप इसको 64 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज 64 इंडेक्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं. सो 16384 डिवाइडेड बाय 64, टेल मी हाउ मच इट इज. सिंपल डिवीजन करिए और बताइए कि कितना यहां पर रिजल्ट आ रहा है. 16384 डिवाइडेड बाय 64, डू इट एंड टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस. सो इट बिकम 256. ओके, सो इट बिकम 256. सो यू शुड रिमेंबर कि 256 ब्लॉक्स हम लोगों को लगने वाले हैं फर्स्ट लेवल. सो वी रिक्वायर 256 ब्लॉक एट अ फर्स्ट लेवल. ओके, सो टोटल इंडेक्स वी नीड टू मेंटेन दैट इज 16384. ओके, ये इंडेक्स हम लोग मेंटेन करके चल रहे थे. एक ब्लॉक में जो हमारे इंडेक्स स्टोर हो रहे थे वो 64 इंडेक्स हो रहे थे, तो हमने सिंपली इससे डिवाइड किया और हमें रिजल्ट मिल गया 256 ब्लॉक्स. ओके, अब जो सेकंड लेवल होगा, सेकंड लेवल पे हमें सिर्फ कितने इंडेक्स मेंटेन करने, सो वी नीड टू मेंटेन 256 इंडेक्स. सो 256 इंडेक्स हमें मेंटेन करने थे. नाउ 256 डिवाइडेड बाय अगेन 64, क्योंकि एक ब्लॉक में हम लोग 64 इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं. सो 256 डिवाइडेड बाय 64 इज हाउ मच, जो जस्ट कंप्यूट दिस. सो इट इज 4. सो सेकंड लेवल पे हम लोगों को कितने ब्लॉक्स लगेंगे, 4 ब्लॉक्स लगेंगे, और इन 4 ब्लॉक्स को हम लोगों को स्टोर करना है थर्ड लेवल पे. तो थर्ड लेवल पे नंबर ऑफ इंडेक्स हमें जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा, 1. सो व्हाट वी कैन से करस्पॉन्डिंग टू दैट, वी कैन डू लाइक दिस. सो देखिए यहाँ पे अगेन पॉइंट को आप लोग इस तरीके से समझिए, जब भी आपको कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट लेवल इज सिंपली, यू कैन एज्यूम दैट इट इज जस्ट लाइक अ सिंगल लेवल इंडेक्स, है ना, ये सिंगल लेवल है. तो सिंगल लेवल पे जितने भी ब्लॉक्स आप लोगों को लगने वाले हैं वो सारे को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने. दैट मीन्स वी नीड टू स्टोर 16384 रिकॉर्ड. सो 16384 इंडेक्स वी रिक्वायर डिवाइडेड बाय 64, जस्ट लाइक दिस. सो इट गिव्स यू 256 ब्लॉक. Now we need to maintain address of this 256 block at a second level. So 256 divided by 64, क्योंकि एक block में 64 index store हो सकते हैं. फिर जो भी result आया,
नाउ दिस रिजल्ट डिवाइडेड बाय अगेन 64, सो वी कैन से दैट की फोर इंडेक्स को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक तो लगने ही लगने वाला है. सो इट इज वन लाइक दिस. सो यू शुड गो विद ऑप्शन सी. तो यहाँ पे सी के साथ आप लोगों को जाना चाहिए. नाउ जनरली डेटाबेस में मल्टी लेवल इंडेक्सिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बी एंड बी प्लस ट्री. ओके, सो यू शुड रिमेंबर बी एंड बी प्लस ट्री आर यूज टू परफॉर्म मल्टी लेवल इंडेक्सिंग ऑन अ डेटाबेस. तो डेटाबेस पे अगर आप लोगों को मल्टी लेवल इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी है तो आप लोग बी एंड बी प्लस ट्री का यूज कर सकते हैं. हियर वी कैन से दैट सिंपली बी ट्री आर अ स्पेशलाइज्ड एनरे सर्च ट्री. अब देखिए ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है बी एंड बी प्लस ट्री, यू शुड लिसन दैट टॉपिक वेरी केयरफुली, क्योंकि एक मार्क्स एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आता ही आता है. बी बी प्लस ट्री के ऊपर क्वेश्चन हमेशा गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सो यू शुड फोकस ऑन दैट टॉपिक. बी ट्रीज आर स्पेशलाइज एनरे सर्च ट्री. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एन होता है, एन इज नथिंग, इट इज सिंपली ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बी ट्री. ओके, ऑर्डर ऑफ बी ट्री. सो बी ट्रीज आर एनरे सर्च ट्री. ऑर्डर ऑफ ट्री हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बी ट्री में जो ऑर्डर की डेफिनेशन होती है, इट इज सिंपली मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड अ नोड कैन हैव. ओके, सो मैक्सिमम कितने चाइल्ड एक नोड के हो सकते हैं, दैट इज सिंपली ऑर्डर ऑफ बी ट्री. सो अगर हम लोग एन की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, ठीक है, सो वी कैन से दैट कि इफ द वैल्यू ऑफ एन इज 2, दैट मींस इट इज जस्ट लाइक अ बाइनरी सर्च ट्री. तो इफ वी हैव अ बी ट्री विथ ऑर्डर 2, देन इट इज सिंपली लाइक अ बाइनरी सर्च ट्री. तो जो बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है. बट बी ट्री में एक फैसिलिटी हम लोगों के पास है यहाँ पे, क्या कि हम ऑर्डर कितना भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस, ऑर्डर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि नॉर्मली बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, अ पर्टिकुलर नोड कंसिस्ट ऑनली अ सिंगल की, एक नोड में एक ही की होती है लाइक 10. तो जो 10 से लेस है वो उसके लेफ्ट में स्टोर हो जाएगी, 10 से जो ग्रेटर है वो उसके राइट में स्टोर हो जाएगी. बट इन अ बी ट्री वी कैन स्टोर मल्टीपल कीज इन अ सिंगल नोड. तो एक से ज्यादा कीज अगर आप लोगों को स्टोर करनी है एक सिंगल नोड में, देन यू कैन यूज बी बी प्लस ट्री. तो बी और बी प्लस ट्री आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू स्टोर मोर देन वन कीज हियर. ओके, तो एक से ज्यादा कीज अगर स्टोर करना है तो आप यूज कर सकते हो. हाउ वी कैन स्टोर लाइक दैट, सपोज टू बी आई एम हैविंग अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4 या ऑफ ऑर्डर 3. थ्री ऑर्डर का अगर मैंने बी ट्री यूज लिया किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अ पर्टिकुलर नोड कैन कंसिस्ट मैक्सिमम, ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कीज हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो 2 कीज स्टोर कर सकते हैं लाइक दैट. सपोज आई एम हैविंग अ की 10 and 20. तो देखिए 2 कीज लेंगे तो चिल्ड्रन कितने हो गए, 3. तो ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ चाइल्ड. सो हियर वी कैन सी वी हैव अ 3 चाइल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर नोड. नाउ व्हाट विल बी द की दैट इज लेस देन 10. जो भी लेस देन 10 कीज होंगी वो आपकी सबसे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में स्टोर होगी. Like we can store 5-6 here. The keys that is between 10 and 20 we can store in the middle node. So 10 or 20 के बीच की जो keys हैं वो आप लोग middle node में store कर सकते हो. So here you can store key like 11, 15. Okay, what else key? And if the key is greater than 20 we can store in the last node like 30, 40. Like this. Okay. Now see, there are certain properties. These properties are common property for the B and B plus tree. B plus tree is nothing, it is extension of B tree. तो पहले हम लोग B tree पढ़ेंगे, फिर उसमें हमने क्या extension किया कि it become a B plus tree, वो भी हम लोग discuss करेंगे. Okay? So see here, B and B plus tree इसकी जो property है, simply just like that कि all leaf nodes should at a same level. सबसे first property, all leaf nodes should at a same level. तो कभी भी आपके लीफ नोड डिफरेंट लेवल्स पे आपको नहीं मिलेंगे. अगर डिफरेंट लेवल्स पे मिल रहे हैं, मतलब आपने कुछ गलती की हुई है. इट शुड बी बैलेंस्ड, all leaf should at the same level. Okay, now अब यहाँ पे हम लोग जो order होता है B या B plus tree का, on the basis of that हम लोग decide करते हैं कि what is the maximum number of keys that we can store in a particular node, या what would be the minimum number of keys that we can store in a particular node. Okay, so हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो suppose to be we have one node. Okay, एक node हम लोगों के पास है. इस स्पेसिफिक नोड में जो मैक्सिमम कीज है हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो कितनी कर सकते हैं. तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, इफ ऑर्डर इज एन, अगर एन है ऑर्डर, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूट नोड, अगर हम लोग रूट नोड की बात कर रहे हैं,
So the maximum number of key we can store in a root node is n minus 1. So maximum n minus 1 key store कर सकते हो आप. And the minimum number of key we can store at a root is 1. So minimum 1 key आप store कर सकते हो. Okay. So maximum number of keys is n minus 1 and minimum number of key is 1. So if you have a B tree of order 4, so maximum keys that you can store is 3. So maximum 3 keys आप लोग store कर पाओगे इस केस में. And minimum number of keys that you can store is 1. Like that. If you are talking about the non-root node, मतलब root node को छोड़के what we can say, बाकी जितने भी nodes हैं, they all are a non-root node. For that, maximum number of keys are n minus 1. तो maximum तो n minus 1 keys ही होंगी. लेकिन जो minimum keys हैं, it should be n minus 1 by 2. We need to take the floor value. That means it is an integer part. तो ये non-root node के लिए. So that would be the property. You should remember that property. Okay? B tree देखिए सिंपल सा डियर मतलब यहाँ पे कि B tree में जो नंबर ऑफ कीज स्टोर कर सकते हो आप ये उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है. अगर ऑर्डर 2 है तो दैट B tree इज अ बाइनरी सर्च ट्री. बट अगर ऑर्डर 3 है तो आप 2 कीज स्टोर कर पाओगे. ऑर्डर 4 है तो 3 कीज स्टोर कर पाओगे. सिमिलरली ऑर्डर n है देन यू कैन स्टोर n माइनस 1 कीज इन अ सिंगल नोड. ओके तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना. Now see, I will explain that with the help of one example. एक example हम लोग लेके चलते हैं. Suppose to be we have a certain number of keys. कुछ keys हम लोगों के पास है. And we need to design B tree for this keys. Like suppose I am having key 8, 5, 15, 27, 4, 11, 13, 17, 19, 33. 42 like this. I am having this keys. I need to design B tree. मुझे B tree बनाना है order 5 का. I need to design B tree and order is 5. Here the definition for order is number of children a particular node can have. So according to this, what is the maximum number of keys that we can store? अगर order आपका 5 है, so maximum key आप एक node में कितनी store कर सकते हो? So we can say that it is 5 minus 1. So maximum 4 keys we can store in a particular node. चलिए अब data insertion जो होता है it is the approach is exactly like a binary search tree का जो approach है ना वही use करते हैं हम. चलिए पहले हमने 8 ले लिया. So 8 को हमने node root node में insert किया. Now we need to insert 5. So अब आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या root में हम 5 insert कर सकते हैं. Yes we can insert up to 4 keys. तो एक single node में आप up to 4 keys store कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. So, आपने 5 पे स्टोर किया. What will be the data that we are storing in a node? It should be in a sorted sequence. तो 5 जैसे ही लेंगे, it become 5. Now, 15. So, it is 5, 8, 15. The next is 27. So, it is 5, 8, 15, 27. We can store in the same node. लेकिन जैसे ही 4 आता है, अगर मैं 4 को same node में insert करने जाता हूं, then it took like 4, 5, 8, 15, 27. But we can see this specific node violate the property of a B tree क्योंकि B tree says that if order is 4 then you can store maximum 4 keys but यहाँ पे number of key तो 5 हो गई. So in that condition up to 4 no issue you can store in the same node. लेकिन जैसे कि key 5 हो जाती है you need to split that node, you need to break that node. और break जो हम करेंगे node को split करते हैं वो हमेशा हम mid key से करते हैं. तो इस mid key से हम इस node को break कर देंगे, split कर देंगे और इस मिड की को हम लोग लेके चले जाएंगे रूट पे. सो नाउ दैट मिड की दैट मींस दिस 8 बिकम अ पेरेंट रूट वैल्यू. अब इस की के जो लेफ्ट की कीज थी ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा दैट इज 4 5 और जो राइट था ये इसका राइट चाइल्ड हो गया दैट मींस 15 25. यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. एक नोड में जितनी भी कीज आप लोग लेके चल रहे हो उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो हमेशा उससे एक ज्यादा होगा. लाइक दैट की 8 है तो 8 के दो चाइल्ड होंगे 4, 5, 15, 25. तो जितने भी नॉन रूट नोड होते हैं या जितने भी नॉन लीफ नोड होते हैं, लीफ नोड के तो जीरो चिल्ड्रन होते हैं बट नॉन लीफ नोड में अगर 2 कीज है तो 3 चिल्ड्रन होने चाहिए, 3 कीज है तो 4 चिल्ड्रन होने चाहिए. मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लस 1 होना चाहिए. नाउ सी हियर नेक्स्ट की दैट आई नीड टू स्टोर इज 11. अब मुझे 11 स्टोर करना है.
हमेशा लीफ नोड पे ही स्टोर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सर्च 11 इज ग्रेटर देन द रूट और लेस देन द रूट। सो 11 इज ग्रेटर देन, 11 इज ग्रेटर देन द रूट वैल्यू, हियर इट इज 27। 11 इज ग्रेटर देन द रूट वैल्यू, सो 11 रूट वैल्यू से ग्रेटर है तो राइट में जाएगा और राइट में जाके ये स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली हियर वी नीड टू स्टोर 11 इन दिस पर्टिकुलर नोड, तो 11 यहाँ स्टोर हो गया। नाउ 13 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 8, सो वी नीड टू स्टोर दैट 13 इन द सेम नोड। नाउ वी कैन सी 17 इज ऑल्सो ग्रेटर देन दैट, सो 17 इज ऑल्सो स्टोर इन टू द सेम नोड। सो आफ्टर इंसर्टिंग 17 योर ट्री लुक लाइक 4 5 11 13 15 17 एंड 27। अगेन हम लोग देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कीज हैं वो 4 से ग्रेटर हो गई है, सो यू नीड टू ब्रेक दिस की। सो आपको इसको ब्रेक करना है 15 से, आप फिर इसे ब्रेक करेंगे मिड वैल्यू से। अब 15 आप देख सकते हो कि जो रूट नोट है उसमें सिंगल की है और मैक्सिमम 4 कीज तक स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ये नोट स्प्लिट होगा, ये 15 जो है ये 8 के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, लाइक दैट 8 15 इज देयर। ओके, नाउ वी कैन सी दिस पर्टिकुलर रूट नोट कंसिस्ट 2 कीज, देन 3 चिल्ड्रंस आर देयर। सी द कीज आर दैट इज लेस देन 8, मतलब 4 5 ये यहां पे रहेंगे। द कीज दैट इज बिटवीन 8 एंड 15 दैट मींस 11 13 इज हियर। द की दैट इज ग्रेटर देन 15 दैट मींस 17 27 दे आर इन द लास्ट नोड, लाइक दिस। ओके, नाउ अगेन द नेक्स्ट की दैट वी नीड टू इंसर्ट इज 19, सो इट इज ग्रेटर देन 15। यू कैन सी 19 इज ग्रेटर देन 15, सो 19 को आप लोग लास्ट में इंसर्ट कर देंगे एट दैट पोजिशन। नाउ द नेक्स्ट की इज 33, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 15, सो इट शुड स्टोर एट द लास्ट, सो 33 इज ऑल्सो देयर। एंड नेक्स्ट की इज 42, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 15, सो 42 भी हम लोग लास्ट में स्टोर करेंगे। जैसे ही 42 स्टोर किया लास्ट नोड में, वी कैन से दैट लास्ट नोड कंसिस्ट 5 कीज, सो उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो गया। सो वी नीड टू स्प्लिट दैट नोड अगेन बाय द मिड वैल्यू, दैट इज 27। नाउ सिंपली दिस 27 पास टू द रूट नोड, ये रूट नोड पे पास हो जाएगी। सो इट लुक लाइक 8 15 27, सो देर आर 3 चिल्ड्रन, देर आर 4 चिल्ड्रन, 3 कीज आर देयर, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 4। ओके, 4 5 11 13 19 17 33 42। ठीक है, देखिए जब भी नोट का वेट इंक्रीज होता है हमें उस नोट को स्प्लिट करना होता है। हम स्प्लिट कहां से करते हैं, उसकी मिड वैल्यू से। तो यहाँ पे नोट का वेट इंक्रीज हुआ तो हमने उसकी मिड वैल्यू से स्प्लिट किया 15 से, और 15 को हम कहां पे सेंड कर देंगे, उसके रूट पे। ठीक है, अगर रूट का वेट इंक्रीज होगा तो रूट फर्दर स्प्लिट होगा और एक लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रूट का रूट फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें भी 4 कीज आएंगे, उसके बाद हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अप टू 4 नो नीड टू इंक्रीमेंट, तो वहां पे कोई इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं थी। क्लियर है, सो दैट वुड बी द वे टू डिजाइन बी ट्री। आप देखिए हम लोग यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज है बी ट्री की वो हम लोग देख सकते हैं। मैक्सिमम कीज 4 होनी चाहिए, सो आप देख सकते हो कि 4 से ज्यादा की पे हम लोगों ने नोड को स्प्लिट कर दिया। मिनिमम नंबर ऑफ कीज एट अ नॉन रूट नोड, नॉन रूट नोड पे मिनिमम कीज कितनी होनी थी, सो इट इज सिंपली 5 माइनस 1 बाय 2, इट बिकम 2। सो आप देख सकते हैं हर नोड में 2 कीज है, किसी भी ट्री में 2 से कम की नहीं है, एक्सेप्ट द लीफ नोड, एक्सेप्ट द रूट नोड। रूट नोड में सिंगल की हो सकती है, लाइक दिस इज द रूट नोड, सो रूट में कंसिस्ट सिंगल की, दिस इज द रूट नोड, सो रूट में कंसिस्ट सिंगल की। ओके, बाकी में जो नंबर ऑफ कीज है वो मिनिमम 2 होना चाहिए, तो सभी में 2 है। एंड वी कैन सी दैट कि ऑल लीफ नोड्स शुड एट अ सेम लेवल, तो आप किसी भी इंटरमीडिएट लेवल पे भी देख सकते हैं हर में लीफ नोड्स जितने भी हैं वो सारे सेम लेवल पे, सो ऑल लीफ नोड्स शुड एट अ सेम लेवल। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है इफ यू वांट टू डिजाइन बी ट्री। नाउ सी हियर, सपोज टू बी आई नीड टू डिजाइन बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3, कीज आर 15 5 7 11 35 43 2। ओके, नाउ टेल मी, माय क्वेश्चन इज दैट कि जब हम बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 डिजाइन करेंगे तो नंबर ऑफ स्प्लिट कितने होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्प्लिट, यू नीड टू कैलकुलेट दैट थिंग।
सो ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन एंड टेल मी कि टोटल कितनी बार नोड जो है वो ब्रेक होगा इफ यू वांट टू डिजाइन बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 फॉर द फॉलोइंग कीज। राइट वंस। So see what we can do here. The first key is 15, second is 515. You can see here order is 3, so maximum key that a node can store is simply 2. Maximum 2 keys is stored. So 5, 7, 15. सो वी कैन ब्रेक की फ्रॉम दी सावन, सावन से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो सावन 5, 15। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट की इज 11, इट इज ग्रेटर देन दिस सो वी कैन स्टोर 11 हियर। अनदर इज 35 सो वी कैन स्टोर 35 हियर। अगेन दिस नोड इज ब्रेक बाय 15 सो 7, 15 5, 11, and 35. Now you can see here the another key is 43. So we can store 43 here. And the another key is 2. So we can store 2 here. So for the following keys, we can say that number of split is 2. Okay. If I am inserting one more key here, okay. If key 52 inserted in about tree, then what will happen? Then what will happen? So agar hum log yahan pe 52 key ko insert karte, then what will happen? So you can see here, jaise hi main isme 52 ko insert karta, I am inserting 52 here. In this, you can see here, I need to break this node by 43. I need to break this node by 43. So 43 se hum log break karenge. Now what we can see that 43 go to the root node. This 43 go to the root node. That means we need one more split. 43 go to the root node. Ab 43 jaise hi root pe jayega, what we can see your tree look like this 17, 15, 43. There is 2, 5. There is 11. There is 35. And there is 52. But what will happen now? Root consists more than 2 keys. So we need to break root again. Okay. So simply, when we are inserting 52 as a value here, what will happen? जो आपका नंबर ऑफ स्प्लिट है वो 2 और इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे 52 आपने लीफ पे इंसर्ट किया, सो दैट लीफ नोड इज स्प्लिटेड एंड 43 गोज टू द पेरेंट वैल्यू, और पेरेंट नोड में वो जाने के बाद पेरेंट अगेन स्प्लिट होगा बाय 15। ओके, और यहाँ पे ट्री का हाइट इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन सी हियर नाउ 15 बिकम अ रूट, इट कंसिस्ट टू चाइल्ड 7 एंड 43। नाउ 25 इज हियर, 11 इज देयर, 35 here and 52 there, like this. So that become your final entry. So ये आप लोगों का final entry यहाँ पर है. Got it? Now see, what will happen if you need to design B tree of order 4? Then what we can say, maximum keys that we can store
in a node as 3. Okay, so see here, suppose I'm having certain keys like 15, 5, 7, 23, 11, 2. इन दैट कंडीशन सी व्हाट विल हैपन. चलिए सबसे पहले हम लोगों ने नोड इंसर्ट किया आगे, सो व्हाट वी कैन से, वी कैन स्टोर 15 हियर, देन 5 15, देन 5 7 15, टिल पॉइंट देयर इज नो इश्यू. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैंने इसमें 23 को इंसर्ट किया, इट बिकम 5 7 15 एंड 23. सो यू कैन सी हियर अ पर्टिकुलर नोड कंसिस्ट ऑफ फोर कीज. नाउ वी नीड टू ब्रेक दिस नोड, मुझे इस नोड को ब्रेक करना है. अब हम लोग अभी तक क्या कह रहे थे, जब भी आपका ऑर्डर ऑड था, हमने कहा था कि वी नीड टू स्प्लिट दैट नोड, और जो मिड की है दैट बिकम अ पैरेंट वैल्यू. सो हियर व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर हम इस नोड को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो पैरेंट पे रूट नोड पे हम किस वैल्यू को लेके जाएंगे, टेल मी. सो हियर यू कैन सी देर आर टू ऑप्शन, आइदर यू कैन ब्रेक विथ 7 और यू कैन ब्रेक विथ 15. सो आप मिडिल जो वैल्यू है, सो 7 और 15 में से किसी से भी आप ब्रेक कर सकते हो. सो अगर हम लोग 7 से ब्रेक करते हैं, सो इट लुक लाइक दिस, 7 देन 5 15 23. और अगर हम लोग 15 से ब्रेक करते हैं, सो 15 बिकम अ पैरेंट, देन इट इज लाइक दैट 5 7 एंड 23 देयर. ओके, दे बोथ आर वैलिड, दोनों सही है. आइदर यू कैन डू लाइक द फर्स्ट और यू कैन डू लाइक द सेकंड, बट यू शुड रिमेंबर थ्रू आउट द ट्री, है ना, मतलब फॉर द कंप्लीट क्वेश्चन, या तो कंप्लीट ट्री को आप फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है, ठीक है. जैसे अगर हम 7 से ब्रेक करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राइट चाइल्ड है उसमें नंबर ऑफ कीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ राइट बाइसिंग, राइट बाइसिंग. ओके, और अगर हम लोग 15 से ब्रेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट चाइल्ड में नंबर ऑफ कीज ज्यादा हो रही है इज कंपेयर टू द राइट चाइल्ड, सो इट इज कॉल्ड अ लेफ्ट बाइसिंग. ओके, सो थ्रू आउट द ट्री आइदर यू नीड टू यूज राइट बाइसिंग और लेफ्ट बाइसिंग, तो दोनों में से कोई एक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो यू, इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट टू यूज लेफ्ट बाइसिंग यू कैन यूज, इफ यू वांट टू यूज राइट बाइसिंग यू कैन यूज. ओके, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर आता है कि यू नीड टू डिजाइन बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 या बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4, और आपको कुछ कीज दी हुई है और आपसे पूछा है कि वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट, तो इट डिपेंड्स ऑन दी कि राइट बाइसिंग से नंबर ऑफ स्प्लिट अलग हो सकते हैं, लेफ्ट बाइसिंग से नंबर ऑफ स्प्लिट अलग हो सकते हैं, सो इट डिपेंड्स. ओके, चलिए सपोज यहाँ पे इसी पॉइंट पे हम लोग एक डिस्कशन करते हैं. सपोज आई एम हैविंग सर्टेन कीज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. आई एम हैविंग 10 कीज फ्रॉम 1 to 10. आई नीड टू डिजाइन बी ट्री ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 4. फाइंड फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट. ओके, यू नीड टू डिजाइन बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4. फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट. सो मैक्सिमम कितने स्प्लिट यहां पे होंगे, जस्ट टाइम. So here you should remember one point. If keys in ascending order, then right biasing gives you more split, or equal split, as compared to
लेफ्ट बाइसेप। एंड सिमिलरली इफ की इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर then left bicep gives you more speed. Okay. So see here, if we have a keys like 1 2 3 4 5, ये आपको keys दी हुई हैं, so in that condition, what we can say? So your keys are like 1 2 3 तक कोई इश्यू नहीं है, जैसे ही 4 इंसर्ट होगा, we need to break this note. So हमने 2 से ब्रेक किया, it gives you 1 3 4. Okay, now we can insert 5 here, 6 here. Again, we need to split that note by 4. So, first split at this point, second is here. So, it is 2, 4, 1, 3, 5, 6. We can say that we can insert 7 and 8. So, again, we need a split by 6. So, 2, 4, 6. 1 3 5. Here we can say that 7 8. Now we need to store 9 and 10. So one more split here. It become 2 4 6 8. 1 3 5 7 9 10. What we can say, root node again is split होगा क्योंकि उसमें number of keys 3 से greater हो गई. So 4 become parent. 2 here, 6, 8 there, 1, 3 is child of this, 5, 7, and 9, 10, like this. So you can see total split is 4. So 4 times your node get splitted. So total 4 times aapke node split honge if we are doing right bicep. Question is about the what is the maximum number of split. So maximum number of split आपको किससे मिलेंगे? Right biasing से मिलेंगे. So that's why I am doing that. Okay, so that would be your answer for this particular question. See, if same question we are solving with the help of left biasing. अगर सेम क्वेश्चन को हम लोग लेफ्ट बाइसिंग से करते हैं देन व्हाट विल हैपन. सो 1 2 3 4 इज ओके. अब हमें लेफ्ट बाइसिंग मतलब नोट को स्प्लिट करना है बाय 3. सो 1 2 4 हियर. नाउ वी कैन इंसर्ट 5 6 एंड 7. अगेन वी नीड टू ब्रेक दैट नोट बाय बाय 6. सो इट इज 3 6 हियर. 1 2 4 5 and 7. So we can store 8 9 and 10. So what we can say, we can again break this node by 9. So it gives you 3 6 9. 1 2 is there. 4 5 7 8 and 10. So this is also a correct B tree, and in this you can see number of split is only 3. Okay, so if question is about what is the minimum number of split, then you should go with this particular left biasing. What is the maximum number of split, then you should go with the right biasing. Here we can see that height of 3 is also increased. If we can say that root node at a height 1, then it is at a height 2 and this is at a height 3. So in that condition your height is 3, and in that condition your height is, if root at a height 1 and this is at a height 2, then your tree height is only 2.
सो जितने ज्यादा स्प्लिट होंगे ट्री का हाइट उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, जितने कम स्प्लिट होंगे ट्री का हाइट उतना कम होगा. सो दैट वुड बी द पॉइंट. ओके, सो दैट वुड बी अबाउट दी बी ट्री. ओके, नाउ नाउ जस्ट गिव मी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इफ आई एम हैविंग अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4 एंड राइट बाइसिंग इज यूज्ड देन व्हाट इज देन देन हाउ मेनी टाइम रूट नोड देन हाउ मेनी टाइम रूट नोड गेट स्प्लिटेड. कीज आर 10, 5, 15, 11, 4, 7, 35, 26 एंड 9 इज ऑल्सो देयर. राइट एंड टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस. See here, you should start with from. See, you have a keys are 10, 5, 15, 11, 4, 7, 35, 26, and 9. Okay, ये keys हम लोगों को दी हुई है. We need to do the biasing, that is the right biasing. So order 4 है तो maximum 3 keys store कर सकते हैं. So 5, 10, 11, 15. सो जैसे ही फोर कीज होंगी वी नीड टू स्प्लिट दैट एंड वी वांट राइट बाइसिंग. सो 10 से हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे. सो 10 ये 5, 11, 15. नाउ वी नीड टू इंसर्ट 4, देन 7, देन 35, देन 26. जैसे ही 26 इंसर्ट किया वी नीड टू स्प्लिट दैट रूट अगेन बाय 15. सो रूट कंसिस्ट 10, 15. हियर इट इज 4, 5, 7. देर इज 11. देर इज 11. एंड देर इज 35, 26. ओके, नाउ द नेक्स्ट की इज 9. नाउ द नेक्स्ट की इज 9. सो 9 इज देयर. ओके, now you need to break this node again and this node is break by value 5. So your root value consists 5, 10, 15. This is 4, this is 7, 9, this is 11, this is 26, 35. Exactly आपको यहाँ पे जो key है उसको order में लेना होगा. So it should be like that 26, 35. तो ये शॉर्टेड सीक्वेंस हम लोग लेके चलते हैं. तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है. सो इट इज 26, 35. नाउ सी दैट वुड बी योर फाइनल ट्री. दैट वुड बी योर फाइनल ट्री. ओके, क्वेश्चन इज
हाउ मेनी टाइम्स रूट नोड गेट स्प्लीटेड, तो रूट नोड कितनी बार स्प्लीट हुआ है क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना है. तो यू कैन सी इनिशियली दैट वी कैन से इट इज अ रूट नोड, सो हियर रूट नोड इज स्प्लीटेड, दैट इज वन टाइम. और उसके बाद रूट नोड कहीं पे भी स्प्लिट नहीं हुआ है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, देन योर आंसर इज वन, ओनली वन टाइम. चलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स लीफ नोड गेट स्प्लीटेड, लीफ नोड कितनी बार स्प्लीट हुए, हाउ मेनी टाइम्स लीफ नोड गेट स्प्लीटेड, टेल मी व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस. इफ क्वेश्चन इज अबाउट द रूट नोड देन ओनली वन टाइम, if question is about root node then only one time, if question is about leaf node how many times a leaf node get splitted then what would be your answer, tell me. So can we say that leaf node ka matlab kya hota hai, just node ke zero children se they are the leaf node. So can we say that initially root node is also a leaf node because it has a zero child, this is also a leaf node. And this is also leaf node. So if question is about how many times your leaf node get splitted, then your answer is three times. Okay. चलिए. So that is about the B tree. कल हम लोग discuss करेंगे about the B plus tree, है ना? तो कल session का शुरुआत करेंगे B plus tree के साथ. कल से जो session की timing है that is 9 p.m. Okay. So 9 p.m. से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन यूट्यूब. ओके, सो ऑल ऑफ यू ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी.com. अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है देन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. फॉलो करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, जितने भी फ्री स्पेशल सेशंस होते हैं जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होते हैं, यू कैन एक्सेस ऑल द फ्री स्पेशल सेशन. टुमारो मॉर्निंग 8 AM देयर इज वन स्पेशल सेशन ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप. ओके, तो आप सभी ने अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिएगा. एंड सिंपली टू अनलॉक माई फ्री स्पेशल क्लास यू कैन यूज माई कोड दैट इज ANKS10. सो इफ यू आर द फर्स्ट टाइम लर्नर आपको कोड की रिक्वायरमेंट होगी. क्लास एब्सोल्युटली फ्री है, इस कोड को अप्लाई करके क्लास को अनलॉक कर लेना. कल मॉर्निंग 8 AM हम लोग डिजिटल लॉजिक स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो ऑल ऑफ यू शुड अटेंड. There is announcement that 25th को आप लोगों का next Unacademy Compact है. तो again you got a free scholarship. So there is a one more chance in this April to got 100% scholarship on a plus membership. So top 3 winner को 100% scholarship मिलने वाला है. 60 minute का test है, 20 questions आप लोगों के आएंगे. 11 AM morning में आप लोगों का test होगा. If you are in a top 100 still you will get additional discount also. One more announcement is there कि 12 month subscription के साथ plus 3 month extra आप लोगों को अभी मिल रहा है. So अगर आप लोग plus subscription लेना चाहते हैं, so that would be the better time. 12 month की cost में आप लोगों को 15 month का subscription मिलेगा. You can use my code that is ANKS10. So 10% का additional discount भी मिलेगा. If you want to go with plus or iconic plus subscription for the 18 or 24 month, you can use the same code for 10% discount. आइकॉनिक के लिए भी आप लोग 12 और 24 मंथ यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज माय कोड टू गेट 10% डिस्काउंट आल्सो. आल्सो जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल. इस चैनल के ऊपर भी सेशंस की लिंक आती है. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड कम टू द क्लास डायरेक्टली. थैंक यू गाइस, लाइक दिस सेशन. अगर नहीं सेशन को लाइक किया है तो सेशन जरूर लाइक करिए. शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफाई मी बटन ताकि यूट्यूब की क्लासेस के आपको